नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर। यूजीसी नेट की परीक्षा हुई रद्द। आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए चलेगी 9 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। आज अफगानिस्तान के साथ मुकाबले में भारत की तरफ से ये है संभावित खिलाड़ी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगे हैं, जिसमें गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 20 पदों पर बहाली होगी। बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पदों पर, खेल विभाग में 98 पदों पर और श्रम संसाधन विभाग में 114 पदों पर बहाली ली जाएगी। इसके अलावा 750 परिवार के लिए मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग को पटना में मंजूरी मिली है। यूजीसी नेट की परीक्षा हुई रद्द। 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले के बीच रद्द हुई यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए द्वारा ली गई थी। दरअसल यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर यूजीसी को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस मामले में बुधवार की रात शिक्षा मंत्रालय ने अचानक सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई से शिक्षा मंत्रालय ने पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा 18 जून को देश के कई प्रमुख शहरों में 2 शिफ्ट में आयोजित हुई थी, जिसमें 11,21,225 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से आरक्षण को लेकर बड़ा झटका दिया गया है। दरअसल ईबीसी एससी और एसटी के लिए हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब इसे रद्द कर दिया गया है। मखाना की खेती के लिए तालाब पर निर्भरता खत्म करने की वैज्ञानिक कर रहे कोशिश। बिहार का मिथिलांचल मखाना की खेती के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। तालाब में मखाने की खेती करने के कारण इसकी खेती काफ़ी कठिन होती है, लेकिन वैज्ञानिक मखाने की खेती को तालाब में ना करके खेत में इसकी खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। खेतों में मखाने की खेती की जा सके, इसके लिए मखाना अनुसंधान संस्थान दरभंगा के वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं। मखाना की खेती खेत में करने के लिए ज़रूरी है कि खेत में भी 6 से 9 इंच तक पानी जमा होने की व्यवस्था हो। हालांकि वैज्ञानिकों के इस कोशिश से मखाने की खेती के लिए किसानों को ताल या तालाब पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। नीट पेपर लीक मामले में कितने पैसों की हुई डील, इसकी जांच हुई शुरू। नीट पेपर लीक मामले में कई संदिग्ध और बिचौलियों का नाम सामने आया है। इन सभी से ईओयू द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद अब इनके बैंक खाते और वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी, ताकि ये समझा जा सके कि इस मामले में कितने पैसों की डील हुई है। कई पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई है कि इस मामले में अधिकतर पैसों की लेन देन नकद में ही हुई थी। खबर है कि परीक्षा खत्म होने के बाद जब प्रश्न पत्र लड़ गए तो उस वक्त भी नीट अभ्यर्थियों से बड़ी संख्या में पैसों की वसूली की गई है। मुख्य आरोपितों से पूछताछ में पता चला है कि पैसे सीधे या किसी एक व्यक्ति के माध्यम से मुख्य सेटर तक नहीं पहुंचे हैं। ये पैसे कई चैनलों के माध्यम से उन तक पहुँचाए गए हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए चलेगी 9 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेल हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखती है। इसी कड़ी में परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए 9 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कई बच्चे डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। गाड़ी संख्या 03205 पटना DDU अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 21, 22 और 23 जून 2024 को पटना जंक्शन से 1 बजे खुलेगी। वापसी में 21, 22 और 23 जून को DDU से शाम 7:30 बजे खुलेगी। पटना से कटिहार स्पेशल 21, 22 और 23 जून को पटना जंक्शन से शाम 3 बजे चलेगी। सहरसा से पटना के लिए 21 और 23 जून को रात 8:30 बजे स्पेशल
खुलेगी। वापसी में 22 और 24 जून को शाम 7:10 पर खुलेगी। रक्सौल पटना बेतिया पटना मुजफ्फरपुर छपरा अनारक्षित परीक्षा स्पेशल मुजफ्फरपुर भागलपुर स्पेशल 21 और 23 जून को मुजफ्फरपुर से रात 10:30 खुलकर अगले दिन सुबह 4:30 भागलपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05267 भागलपुर मुजफ्फरपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 22 और 24 जून को भागलपुर से शाम 7:30 खुलकर अगले दिन रात के 12:45 पर मुजफ्फरपुर पहुँचेगी। मिथिला इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की दिशा में काम हुआ शुरू। प्रदेश में पलायन की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब इसी कड़ी में मिथिला क्षेत्र में मिथिला इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की दिशा में उद्योग विभाग ने काम शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक के इलाके को मिथिला इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मधुबनी के झंझारपुर और लोहट चीनी मिल परिसर को चिन्हित कर इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। लोहट इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के 45 एकड़ क्षेत्र में एक सीमेंट कंपनी के नए TPA प्लांट की स्थापना होगी। उन्होंने बताया कि यहां पर सीमेंट AAC ब्लॉक POP और रेडीमेड कंक्रीट का निर्माण होगा। सुल्तानगंज को अजगैबी नाथ धाम किए जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। भागलपुर नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक में सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम किए जाने के प्रस्ताव पर कई अहम फैसले लिए गए हैं। दरअसल सुल्तानगंज को अजगैबी नाथ धाम किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही अजगैबी नाथ धाम को अनुमंडल का दर्जा दिए जाने की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा अगले महीने से शुरू हो रहे श्रावणी मेले में कांवरियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने, भीषण गर्मी को देखते हुए नल जल से जुड़ी खामियों को दूर करने आदि पर भी फैसला लिया गया है। ईडी ने टॉपर घोटाला मामले में बच्चा राय पर शिकंजा कसना किया शुरू। ईडी ने टॉपर घोटाले का मुख्य आरोपित बच्चा राय पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल इसके BED कॉलेजों में हुए नामांकन और फीस स्ट्रक्चर को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा जानकारी मांगी गई है। साथ ही BRA बिहार विश्वविद्यालय को पत्र ईडी की तरफ से पत्र भेजा गया है। इस पत्र के जरिए बच्चा राय के विसून टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पिछले 10 वर्षों में हुए नामांकन से लेकर फीस स्ट्रक्चर के रिकॉर्ड की ईडी ने मांग की है। विवादित बयान के बाद जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने दी सफाई। अभी हाल में ही सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यादव और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों और यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया है, इसलिए वे इन लोगों का कोई भी निजी काम नहीं करेंगे। अब इस पर सियासत गरमाता देख देवेश चंद्र ठाकुर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे दूसरी पार्टी के नेताओं से धर्म निरपेक्षता का कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, फिर वो किसी भी समाज और धर्म के हों, जिन्होंने बीते 20 से 25 साल से मेरा काम देखा होगा, वे अच्छी तरह जानते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर मैंने क्या काम किया है। आगे और भी काम करूँगा। हर धर्म के लोगों ने मेरी धर्म निरपेक्षता देखी है। ड्यूटी के दौरान दिन दहाड़े प्रधानाध्यापक को गोली मारने पर तेजस्वी ने खड़े किए सवाल। बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल नालंदा में दिन दहाड़े स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल को गोली मारने वाले कांड पर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए कहा है कि बिहार में सरकारी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कल जब PM और CM दोनों CM के गृह जिला नालंदा में उपस्थित थे, तब उसी वक्त नालंदा में सरकारी गुंडे सरेआम स्कूल में घुसकर मुख्य अध्यापक को गोली मार तांडव मचा रहे थे। बीमा भारती के पति बेटे की तलाशी के बीच पप्पू यादव ने कर दी ये मांग। रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती ने राजद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। अब इसी बीच बीमा भारती के पति और उनके बेटे पर व्यवसायी गोपाल यादुका की जान लेने के मामले में संलिप्तता के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले को लेकर बीमा भारती के पति और उनके बेटे दोनों की ही पुलिस द्वारा तलाशी की जा रही है। अब इसी आरोपों के बीच पप्पू यादव का बयान सामने आया है। दरअसल पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर CBI जांच की मांग कर दी है। वहीं बीमा भारती का कहना है कि उपचुनाव में परेशान करने के लिए मेरे बेटे और पति को व्यवसाय की जान लेने के मामले में फंसाया जा रहा है। सोनाक्षी की शादी में शामिल नहीं होने के कयासों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। इन दिनों सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं।
सोनाक्षी के मन मुताबिक शादी करने को लेकर चर्चा थी कि उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य उनकी शादी से नाराज हैं। इस नाराजगी के कारण वे शादी में भी नहीं जाएंगे। अब इन कयासों पर खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि ये मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी है जिस पर मुझे नाज है और जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे अपनी मजबूती का पलर बुलाती है। मैं शादी में जरूर जाऊँगा, मुझे क्यों नहीं होना चाहिए या मैं क्यों नहीं जाऊँगा। उसकी खुशी मेरी खुशी है और मेरी खुशी उसकी खुशी है। उनके पास अपने पार्टनर को चुनने का, शादी की बाकी डिटेल्स चुनने का पूरा हक है। नीट पेपर लीक मामले में जदयू ने तेजस्वी के सामने खड़े किए सवाल। नीट पेपर लीक मामले में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। दरअसल जदयू प्रवक्ता ने दावा करते हुए कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्त में आया सिकंदर यादवेंदु राजद नेता तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार के करीबी रिश्तेदार हैं। सिकंदर ही वो शख्स है जिसने अनुराग यादव नाम के अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था, जिसे ईओयू ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जांच के बाद सिकंदर यादवेंदु के नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के रूप में खुलासा हुआ है। जदयू प्रवक्ता ने तेजस्वी से कहा है कि तेजस्वी को जवाब देना चाहिए कि उनके आप्त सचिव का रिश्तेदार कैसे इस मामले में आरोपित है। आज अफगानिस्तान के साथ मुकाबले में भारत की तरफ से ये है संभावित खिलाड़ी। आज सुपर 8 के मुकाबले में टीम इंडिया अफगानिस्तान के साथ फिरेगी। अफगानिस्तान के बाद टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। आज अफगानिस्तान के साथ टीम इंडिया का मुकाबला रात के 8 बजे देखने को मिलेगा। आज के इस मुकाबले में उम्मीद लगाई जा रही है कि प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह खेल सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है वेद प्रकाश सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद असगर कमल, मनोज शाह, पवन सिंह, अर्जुन राम, राकेश मिश्रा, नौसाद रजा, अमरजीत यादव, ऊषा कुमारी, हेमंत कुमार शाह, नंद कुमार सिंह, उमेश ऋषिदेव, अरविंद सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की। रात का सवाल है कि आपने कभी मखाने की खेती देखी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।